कुल्लस उस्मान सीजन 2 एपिसोड 32। आपने जैसे कि लास्ट 31 किस्म में देखा कि साउची बेग को फंसा लिया जाता है जब वो मोंके को तलाश करने जाता है। असल में ये सारी मोंके और उसकी अरसलान जो कि काई कबीले में हाजल खतून का भाई है उसकी साजिश होती है ताकि इनको फंसाया जा सके, क्योंकि वो काई कबीले की बढ़ती हुई मकबूलियत उस्मान की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से परेशान होता है। ये सारा खेल उसी का रचाया होता है ताकि इनको शिकंजे में कसा जा सके। दूसरी तरफ जब उस्मान फंसता है फरातूस के सिपाहियों पे, तो आपने आखिर में बामसी बे की एंट्री देखी जहां वो उस्मान और वो मिलकर लड़ाई करते हैं। वहां पे जब लड़ाई के बाद उस्मान बचा ले जाएगा, फरातूस है वहां से भाग जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि उस्मान बामसी बे को कहेगा कि मैं जो है साउची भाई के पीछे जरूर जाऊंगा, आप जो है ये बता दें अब जाके अर्तुगरुल बाबा को, उनको कह दें कि मैं ये करने पे मजबूर हूँ। उस्मान बामसी बे को ये कहता है अगर मैं वापस आया तो बाबा को कह दें कि मुझे माफ़ कर दें, मैं जो है भाई के पीछे जाने पे मजबूर था, क्योंकि घियासो को रोकने का वाहिद रास्ता सिर्फ यही है कि मौके को तलाश किया जाए। और उस्मान बुरहान और गुप्तुक के साथ और अपने दीगर सिपाहियों के साथ तलाश में निकल पड़ता है और जो है अपने भाई के कदमों के निशानात की पैरवी करते हुए वो सगार तक भी पहुंच जाता है जहां साउची बे को कैद किया जाता है। वहां मंगोल होते हैं, उनकी उससे लड़ाई भी होती है, लेकिन क्या वहां पे अरसलान और मौके मौजूद होते हैं? वो वहां पे मौजूद नहीं होते, वो भी एक जाल में ही जाल ही बिछाया जाता है जो जहाँ उस्मान जाता है, लेकिन वो एक जाल से खैर फिर से निकल आएगा जब एपिसोड 32 में देखेंगे भी। उसके अलावा जो है फरातूस आके निकोला को बताता है कि इस तरह हमने उसको फंसा लिया था घात में उस्मान को, लेकिन बामसी भी आ गया, तो वो उसको कहता है कि तुम फिक्र ना करो, हम जो है साउची बे यानी कि साउची बे हमारी मुट्ठी में है, हम उस पे हक करेंगे और दूसरा जो किले में गंदूज है उस पे भी हम घात लगाएंगे। बामसी बे की काई कबीले आमद होती है एपिसोड 32 में और वो जो है अर्तुगरुल से मिलता है, अर्तुगरुल और वो खुशी से मिलते हैं, साथ अब्दुर्रहमान गाजी भी होता है। बामसी बे जो है पैगाम देता है उस्मान का अर्तुगरुल को कि हजूर ये उसकी जो है नाफरमानी उस्मान ने नहीं की, वो जो है सिर्फ जो कुछ भी कर रहा है अपने काई कबीले के लिए और अपने भाई की हिफाजत के लिए कर रहा है, तो इसमें जो है आप उसका साथ दें, इसको नाफरमानी नहीं कहते। बामसी बे ये भी कहता है कि वो बिल्कुल आप पर गया है, आपको भी तो अपनी जवानी याद होगी। अर्तुगरुल इस बात को मान लेता है क्योंकि आपको भी पता है कि अब साउची बे भी फंस गया, तो एक वाहिद उम्मीद जो है उस्मान ही है अपने भाई को बचाने के लिए और उसमें कामयाब होगा। दूसरी तरफ जो है बाला खातून को भी ताने मिलते हैं कि औलाद नहीं तुम्हारी हो रही, और बाला खातून भी ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि अगर मुस्तकबिल को बढ़ाना है, क्योंकि उस्मान इस कबीले की उम्मीद है, अगर जो है ये उस्मान के बाद भी कोई उसका बेटा होना चाहिए ताकि जो है इस उम्मीद को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए वो फैसला करती है कि मैं उस्मान की दूसरी शादी करवा दूंगी। इसका जिक्र वो उस्मान से करती भी है। उस्मान ये कह सुन के कहता है कि बाला ये तुम क्या कह रही हो, लेकिन जो है बाला खतून ये कहती है कि मुझे जो है मैं ये चाहती हूँ कि आप इस कबीले की उम्मीद है, इस उम्मीद को आपके जरिए आगे बढ़ाया जाए, टूटने ना दिया जाए। इन शॉर्ट एपिसोड 32 में जो है यही साउची बे को आज़ाद कराया जाएगा। उसके अलावा जो है बामसी बे की कबीले एंट्री होगी, वर्तुगल से मिलेगा, आया निकोला और फरातूस की साजिशें बढ़ेंगी और वो गियातुक के साथ मिल के जो है साजिश करेंगे। मोंके और अरसलान पहले ही मिले हुए हैं, तो एक ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्त होने जा रही है। ये तो रिव्यू था एपिसोड 32 का, किसके बारे में मुकम्मल डिटेल भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लेके आऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।